तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ऊपर से किस प्रकार है। अभी देख सकते हैं इसमें जो भी ईंट इस प्रकार रखी हुई है तो ये कहा जाए तो सूखी हुई ईंट नहीं है, यानी गोल भट्ठा लगाया गया है लेकिन ये ईंट सूखी नहीं हुई, तो इसको इस प्रकार रखा गया है जिससे यह काफ़ी अच्छे से सूख जाए। और अभी ये देख सकते हैं वहाँ पर जो बीच में है तो वो चिमनी है, वो चिमनी खोलने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये काफ़ी गहरा है, यही पर से कहा जाए तो आग डाला जाता है भट्ठे में, हर भट्ठे में उसी प्रकार आग डाला जाता है वहीं पर से खोल के, और जैसे आग एक दो घंटे में डाला जाता है फिर इसको बंद कर दिया जाता है जिससे काफ़ी अच्छे से अंदर आग फैल सके। तो भट्ठे की हाइट अभी कहा जाए तो काफ़ी हो गई, यानी इसमें कहा जाए तो ये हो गया है 5 पट का, हो सकता है इसमें 3 पट और जाए उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी देख सकते हैं जो उधर ईंट बनाने का जो जगह थी तभी देख सकते हैं वहाँ पर कितनी ईंट रखी हुई है, और इधर की ईंट काफ़ी मतलब निकल गई है। मौसम जैसे ही ख़राब हुआ तो सबको लाके इसी में डाल दिया गया, और ये जो ईंट रखी हुई है तो ये कच्ची है, मतलब थोड़ा धूप जैसे निकलेगी ना तो ये ईंट सूख जाएंगी, तो उसके बाद इसको भी लगा दिया जाएगा। और ये वैसे देखा जाए तो जाली की तरह दिख रहा है लेकिन यह जाली नहीं है, जाली की तरह नहीं, इसको सुखाने के लिए इस प्रकार रखा गया है। जैसे ये सूख जाएंगे तो इसको उसी प्रकार खड़ी ईंट गांज दिया जाएगा। इसमें कहा जाता है मुर्गी खाद डाल दिया गया है, ये पूरी तरह मुर्गी खाद ही डाला गया है, और कुछ कोयले का भी इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं कोयला यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक गाड़ी कोयला लाया गया था इसमें किनारे किनारे में भरने के लिए। गाइस बात की जाए कि यदि भट्ठे में मुर्गी खाद डाला जाएगा तो मुर्गी खाद काफ़ी सस्ते में मिल भी जाती हैं, जिससे काफ़ी अच्छा होता है कोयले की अपेक्षा, यानी कोयला तो डाला जाता है, कोयले से भी ईंट पकाई जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए कि यदि मुर्गी खाद डाल के ईंट पकाया जाए तो काफ़ी सस्ते में पड़ जाता है, ईंट का जो प्राइस होता है उसमें जो भी ईंधन डाला जाता है तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि मुर्गी खाद आप समझ सकते हैं काफ़ी सस्ती मिलती है कोयले की अपेक्षा। लेकिन जलने के मामले में यदि बात की जाए तो कोयले की तरह उसका मतलब जलने का जो समय होता है उसी प्रकार होता है, हालांकि लगता नहीं है कि इस प्रकार जलेगी लेकिन काफ़ी अच्छे से जलती है। इसमें कहा जाता है या तो इतना कोयला ही डाल दो या तो फिर मुर्गी खाद इतना डाल दो, लेकिन कोयला भी इतना डालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोयला का कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुर्गी खाद की उतना कीमत नहीं रहती है। ये कहा जाए तो एक ट्रैक्टर भी इसमें नहीं लगता है एक पट में। अभी ये देख सकते हैं ये करीबन एक पट में करीबन हो सकता है 7000 या 6000 ईंट तक आए, यानी एक खड़ी ईंट में 6-7 हज़ार तक आएंगे। ये डबल लिया जाए जैसे कि डबल लेते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल ली गई है, इसमें भी 7000 और इस वाले में भी 7000 यानी 14000 तक। और जैसे जैसे यह ऊपर जाता है तो टूटता रहता है, तो ये कम होते रहता है क्योंकि ऊपर जैसे हाइट में हल्का हल्का तोड़ना पड़ता है, तो टूटते हुए जैसे जाता है ना तो ये कम होते जाता है। तो ऊपर ये 7000 तो ये 6000, फिर उसके बाद 5000, 4000, 3000, 2000 इस प्रकार टूटते रहता है। लेकिन जो नीचे का प्रोसेस रहता है तो नीचे में जब तक ये पट्टी आती है नीचे की तो वह पूरी तरह उतना ही आता है, 6000-7000 थोड़ा बहुत नीचे होते रहता है कम ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।